हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टू एंड कुजीन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पालक पनीर कोफ्ता। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल टू एंड कुजीन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे सारे नए वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं। पालक को बारीक काट के अच्छे से पानी से धो लें और नमक डालकर उबाल लें। कोफ्ता बनाने के लिए हमने लिया है ग्रेटेड पनीर, खोया एंड बॉयल्ड आलू, ग्रेटेड जिंजर एंड सम चिली। पालक को ठंडा करके प्यूरी बना लें। 3 से 4 टमाटर मीडियम लेके उसकी प्यूरी बना लें। फ्रेश क्रीम, धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला। पैन में ऑयल गरम कर लें। अब खोया, पनीर और आलू को अच्छे से मिक्स कर लें। ये अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। अब हम इसमें लगभग 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। 1 चम्मच के करीब आप इसमें नमक डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। हमने इसमें सारी चीज़ें ग्रेट इसलिए की थी जिससे कि कोई लम्स ना रहे और ये अच्छे से मैश हो जाए और स्मूथ बॉल्स बने। आप जितना इसको मैश करेंगे उतना ही स्मूथ बनेगा और उतनी ही सॉफ्ट हमारी कोफ्ते की बॉल्स बनेंगी। आइए अब कोफ्ता बनाने के लिए इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लें। अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे ग्रीन चिली की और जिंजर की। जिंजर और ग्रीन चिली का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इन कोफ्तों में। मैंने सारी बॉल्स को स्टफिंग करके तैयार कर लिया है। आइए अब इसको फ्राई करते हैं। ध्यान रखें कि ऑयल मीडियम फ्लेम पे हो, वरना कोफ्ता जल जाएगा। पहले आप ऑयल में एक कोफ्ता डाल के देख लें सही बनता है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि सही नहीं आ रहा है तो हमें इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिलाना पड़ेगा। देखिए, हमारा कोफ्ता बिल्कुल ठीक आया है। में बाकी के भी कोफ्ता डाल के फ्राई कर लेंगे और ध्यान रखें कि ये नीचे पैन में नहीं लगे और धीमी धीमी आंच पर इसको सेक लें। हिलाते रहें वरना ये कहीं से भी लग जाएगा। ते अब तैयार हो रहे हैं। गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसको उतार लेंगे आंच से। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट उतरे हैं हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के। एक पैन में घी गरम करिए, फिर उसमें हींग और 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए। उसके बाद हम उसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे। प्यूरी में अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। मसाले को तब तक भूनें जब तक यह घी ना छोड़ दे। देखिए, मसाले ने अब घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें पालक प्यूरी डाल देंगे। ग्रेवी को थिक करने के लिए अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके डाल देंगे।
अब इसको धीमी आंच पर पकने दीजिए। पाँच से सात मिनट इसे पकाने के बाद ये हमारी ग्रेवी अब रेडी हो चुकी है। आइए सर्व करते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि पालक करी में कोफ्ता तभी डालें जब आपको इन्हें सर्व करना हो। लीजिए, अब हमारा पालक पनीर कोफ्ता तैयार है। इसको आप छाछ के साथ सर्व करिए, इसका मजा दुगना हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू एंड कुजीन।